नमस्कार, मैं नवरात्रि ऐश्वर्या ग्रैंड एशियन न्यूज के इस उत्साहपूर्ण एवं खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। राशिफल एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हम सभी हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। जी हाँ, राशिफल हमें अपने भविष्य के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है अपितु ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा एवं चाल को जानकर उनके अनुसार उपाय कर व्यक्ति अपने दिनचर्या तथा जीवन को सरल एवं सुगम बना सकता है। और तो और, केवल कुछ आसान उपाय करके हम अपने भविष्य में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। तो इन्हीं कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए खास दर्शकों के लिए ग्रैंड एशियन न्यूज इस नए एवं खास कार्यक्रम का शुभारंभ आज से करने जा रहा है। अतः आप अपना साप्ताहिक राशिफल एवं उपाय जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहिए। दर्शकों, ध्यान रखिए, इस हफ्ते का यह खास कार्यक्रम राशिफल का है जो 10 जुलाई से 16 जुलाई तक के लिए है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले नौकरी पेशा जातकों के लिए सप्ताह बेहद अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह में विवाहित लोग अपने गृहस्थ जीवन में मधुरता भरने की पूरी कोशिश करेंगे। जीवन साथी के द्वारा किए जाने वाले काम में लाभ होगा और उनको तरक्की मिलेगी। प्रेम संबंध भी रोमांचक रहने वाला है। जीवन खुशनुमा हो जाएगा। सप्ताह की शुरुआत खर्चों से भरी रह सकती है। आय के मुकाबले खर्चे ज्यादा होने से आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। इससे आपको हल्का फुल्का मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। हालांकि आप इसके साथ ही साहस में रहेंगे, कोई भी आपके साहस में कमी नहीं आएगी और आप अपनी तरफ से किसी न किसी तरह धन की वृद्धि कर ही लेंगे। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। अब बात करते हैं आपके लिए आज के उपाय की। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत किसी धार्मिक स्थल पर जाकर करें। अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में किसी बड़ी चुनौती को लेकर आ सकता है, लेकिन आप समस्या को अपने उबार लेंगे। यदि आप बीते कुछ समय से बीमार या किसी रोग से ग्रसित थे तो आपको यह सप्ताह साथ में लाभ लेता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के शुरुआत में संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने से आपको राहत महसूस होगी। इस सप्ताह के सितारों की चाल आपको आर्थिक क्षेत्रों में वांछित परिणामों को देने वाला रहेगा। अतः सूझबूझ को कमजोर ना करें तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध या गृहस्थ जीवन के आंगन में हंसी खुशी के पल रहेंगे। हालांकि सप्ताह के मध्य में धन व्यय बढ़ने के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। अब बात करते हैं इस हफ्ते के उपाय की। इस सप्ताह की शुरुआत किसी जरूरतमंद को उनके जरूरत की सामग्री दान करके आप इस हफ्ते की शुरुआत करें। आइए बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में नाम और प्रसिद्धि में बढ़ोतरी के प्रबल संयोग बनते नजर आ रहे हैं। यह आपके पद और अधिकारों में भी बढ़ोतरी करेगा। अचानक से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और परिवार के सदस्यों की उपलब्धियां खुशी देगी। सप्ताह के मध्य में आपको विशेष रूप से पिता, वरिष्ठ जनों और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपके व्यापार में वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ रही है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को पदोन्नति या अन्य कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपको उच्च वर्ग की महिलाओं का सहयोग भी प्राप्त होगा। आपकी वित्तीय स्थिति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहने से लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आय बढ़ोतरी के लिए समय उत्तम बना हुआ है। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। आपके लिए इस हफ्ते के उपाय है, सप्ताह की शुरुआत आप गाय को हरा चारा खिलाकर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले के जातकों के लिए यह सप्ताह स्वजनों के मध्य खुशनुमा पल बीतने वाला है। फलतः घर परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। लिहाजा अपने स्तर पर प्रयासों को जारी रखने में कोताही न करें तो अच्छा रहेगा। यद्यपि संबंधित कार्मिक व व्यापारिक अनुबंधों को साधने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में यात्रा तथा अल्पकालिक प्रवास हेतु जाना पड़ेगा, अतः प्रयासों को जारी करने में आलस्य न करें। यद्यपि इस सप्ताह के मध्य भाग में पुनः सितारों की चाल संबंधित निजी व सरकारी क्षेत्रों में पदोन्नति के मौका देने वाली रहेगी। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। अब आपके लिए बात करते हैं इस सप्ताह के उपाय की। तो इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत आप चंद्र दर्शन करके करें।
अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक इस सप्ताह शुभ चिंतकों के बीच घिरे रहेंगे। खोया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सभी कार्य आपके अनुसार पूर्ण होंगे तथा कोई पारिवारिक मसला हल होने की संभावना है। घर में मांगलिक कार्यों की योजना बनाए जा सकती है। उच्च तकनीक में शोध कर रहे लोगों को उत्तम सफलता मिल सकती है। आपको बचत पर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। सहयोगी कर्मचारी आपसे बेहद प्रसन्न रहने वाले हैं। विदेशों में जॉब के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। आप अपने काम को लेकर काफी सजग रहेंगे। विचाराधीन मामलों पर आप निर्णय ले सकते हैं। शुभ अंक 7, शुभ रंग केसरिया। इस सप्ताह की शुरुआत आप भाई बहनों के साथ योजना बनाकर करें। आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार बीतेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काफी शुभ रहने वाली है। आपके मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। कारोबार में आपको काफी अच्छी सफलता मिलेगी। परिवार के लोगों के मध्य अच्छा तालमेल रहने की संभावना है। इस सप्ताह आप महंगी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। पिछले काफी समय से जो काम रुके हुए थे वे इस सप्ताह बनने की संभावना में है। मन में उमंग उत्साह की भावना प्रबल रहेगी। जॉब में आपकी आय बढ़ने की प्रबल संभावना है। परिवार के साथ किसी खास स्थान की यात्रा कर सकते हैं। शुभ अंक 9, शुभ रंग कत्थई। उपाय। उपाय के तौर पर इस सप्ताह की शुरुआत आप गायत्री मंत्र का जाप करके कर सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले आप मानसिक सुकून महसूस करेंगे। इस सप्ताह आप अपने वर्तमान उन्नति से संतुष्ट रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को सम्मान मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। इंजीनियर्स किसी बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे। प्रेमीजन के साथ घूमने जा सकते हैं। नए प्रेम संबंधों के भी शुरुआत के लिए आपके लिए यह सप्ताह अनुकूल है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा। व्यवसाय में कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं। समाज की महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ आपके संपर्क मजबूत हो सकते हैं। मंगलवार और बुधवार का दिन आपके लिए काफी शुभ सिद्ध होने वाला है। शुभ अंक 1, शुभ रंग गुलाबी। उपाय। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप इस सप्ताह की शुरुआत किसी धार्मिक स्थल पर जाकर करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले के लिए इस सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक माहौल सुकून भरा रहेगा। फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह शुभ फलदायी रहने वाला है। प्रभावशाली लोगों से आपके संबंध मधुर होंगे। आपकी सलाह से लोगों को लाभ मिलेगा। व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और मार्केटिंग में धन खर्च करेंगे। प्रेम संबंधों में आनंद की स्थिति रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। समय का बेहतरीन सदुपयोग करेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा अन्य साधनों से आय अर्जित करने के अवसर मिलेंगे। गुरुवार और शुक्रवार विशेष आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग पीला। अब बारी आती है उपाय की, तो इस सप्ताह को शानदार बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर करें। धनुराशि। धनु राशि वाले जातकों का यह सप्ताह आपके लिए शानदार रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी इनकम में तेजी बनी रहेगी, जिससे आपकी बड़ी चिंताएं कम होंगी। इनकम में बढ़ोतरी होने से आपका मन खिलेगा और खर्चों में कमी आएगी। आपको अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने में सफलता मिलेगी, जिससे मन हर्षित होगा। कुछ नई योजनाओं और परियोजनाओं को ध्यान में रखें और काम करें। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने काम में सफलता मिलेगी। आपके बॉस आपको कुछ नए काम सौंपेंगे, जिन्हें करना आपके लिए चुनौती होगा, लेकिन आप इस चुनौती को हंसकर पूरा कर लेंगे, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी। व्यापारियों को भी इस समय में अच्छा फायदा मिलेगा। आपके काम की स्थिति को देखकर कुछ नए लोग आपके साथ हाथ मिलाना चाहेंगे। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। अब बारी आती है उपाय की, तो उपाय के तौर पर आप इस सप्ताह की शुरुआत भक्ति भजन सुनकर कर सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ समय से चली आ रही चिंताओं से आपको इस सप्ताह मुक्ति मिल सकती है। इस सप्ताह आपको अपने इष्ट मित्रों और शुभ चिंतकों का पूरा समर्थन मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी अच्छा लाभ होगा। आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। आमदनी में निरंतर वृद्धि होगी। इस राशि के जो लोग नौकरी से जुड़े हैं, उनके आय के स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। इस राशि के जो लोग नौकरी में हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में कामकाज के लिए सम्मानित किया जाएगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला।
अब बारी आती है उपाय की। इस सप्ताह को शानदार बनाने के लिए आप उपाय के तौर पर किसी मोची को कुछ दान करके करें, आपका दिन अच्छा होगा और सप्ताह बेहतर बीतेगा। कुंभ राशि, अब बारी आती है कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर में आगे बढ़ने के कई आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आपको कहीं से अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके विरोधी परास्त होते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अनुकूल परिणाम मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर आपको लाभ मिलेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला। अब बारी आते हैं उपाय की। तो इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत किसी बच्चे को पेन गिफ्ट करके कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में बदलाव का है। खुद पर विश्वास करके इस मौके का प्रयोग करें। परिवर्तन अभी जरूरी है। इसका अर्थ है कि आप किसी रिश्ते या कनेक्शन को भी छोड़ सकते हैं। अब यात्रा या परीक्षण की जरूरत है जो आपको वहां ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। मनोरंजक समय के लिए एक सम्माननीय शिक्षक या सलाहकार के संपर्क में रहें। जैसे ही आप नई व्यावसायिक दिशा निर्धारित कर लेंगे, घर पर शांति बनाए रखने के लिए भी सावधानी बरतें। शुभ अंक 5, शुभ रंग लाल। अब बारी आती है उपाय की। तो आप इस सप्ताह की शुरुआत किसी जरूरतमंद को भोजन खिलाकर कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमारी इस खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल को देखने के लिए ग्रैंड एशियन न्यूज पर बने रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।